हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपस्टॉक प्रो के ऐप को कैसे चलाते हैं। पूरा डिटेल्ड बात करेंगे हम यहां पे, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, पे इन पे आउट हर एक चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर आप ओपन करते हो ऐप, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर नज़र आएगा ऐप के ऊपर। चलिए एक बार मैं यहाँ पर एक ब्रश ऑन कर लेता हूँ जिससे आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको मिलता है। प्ले स्टोर में जाके अपस्टॉक प्रो लिखोगे, सीधा ऐप आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे अपना आईडी डालेंगे, तो मैं एक बार आईडी पासवर्ड डाल लेता हूँ, फिर लॉगिन करके फिर आता हूँ। गाइज लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने वाला है सामने स्क्रीन पर। यहाँ पे हो सकता है मे बी ये खाली हो, यहाँ पे आपको एक अपना खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, हो सकता है कुछ ऐसा आ रहा होगा आपको, यहाँ पर इंडाइसिस लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक खुद का अपना वॉच लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। आप डायरेक्ट ये प्लस के निशान पर भी क्लिक कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके, कहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, मैं एक बार क्लिक करता हूँ, आपको देखिए नीचे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना वॉच लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लीजिए। एक बार मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ कि वाईफाई बंद कर देंगे तो चलेगा ही नहीं, है ना। चले ये मैं सोच रहा था कोई डिस्टर्बेंस ना आए, बट वाईफाई बंद कर देंगे तो ऐप नहीं चलेगा। तो जैसे ही हम क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पर करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, और यहाँ पे आपको कोई भी एक नाम एंटर करना है। मतलब कोई भी एक नाम क्रिएट कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट का, ए बी सी, या आपका नाम या स्टॉक का नाम, कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ए बी सी रख देता हूँ, और सिंपली मैं इस बटन पर सेव पर क्लिक कर दूँगा। अगर मैं इसको सेव पर क्लिक करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, यू हैव नॉट एडेड एनी स्टॉक इट, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे करना क्या है आपने, प्लस के निशान पे क्लिक करना है। साइड में प्लस का निशान था, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे था। ये देखिए, ये देखिए, है ना, ये प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है, और कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक लगाने के लिए आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है। ऑल पे ही रहने देना है इसको। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं लगाऊं रिलायंस, ये मेरा हिंदी भी ऑन है, दैट्स व्हाई दिक्कत कर रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ ये देखिए रिलायंस, जैसे मैंने लिखा रिलायंस लिखा, तो यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस के फ्यूचर्स भी नीचे आ रहे हैं। अभी मैं ऑप्शन भी कैसे ऐड करने हैं बताऊँगा। सीधा ऐड पर क्लिक कर दिया, और नीचे से हमें डन करना होता है, या ऐड हो ही गया है ये। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको पूछूँ कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कैसे ऐड करने हैं, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ऐड करने के लिए आपको कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है, समझ लीजिए आपको 32,000 वाला कॉल ऐड करना है बैंक निफ्टी का। आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे 32,000, यहाँ देखिए सबसे पहले ही ऊपर टॉप पर आपको आ जाएगा 29 अप्रैल 2021 का 32,000 का सीई यानी कॉल। ये वीकली, सबसे पहले आपको वीकली दिखेगा फर्स्ट वीक का, फिर सेकंड वीक का, उसके बाद मंथली नीचे दिखेंगे। तो फर्स्ट वीक में ज़्यादा हम ट्रेड्स वगैरह करते हैं, तो आप इसको सिंपली ऐड कर लोगे कॉल। पुट ऐड करना है तो नीचे से पुट ऐड कर लोगे। निफ्टी का लगाना है, जैसे हमने लगाना है 14,200 का कॉल, हमने सिंपली लिखा 14,200। लेकिन देखिए 14,200 के रेट में बहुत कुछ है, बजाज फिनसर्व है, और यहाँ पर निफ्टी फिनांस है। तो आपको कैसे करना है, आपको सिंपली लिखना है निफ्टी 14,200, निफ्टी 14,200। देखिए जैसे ही आप लिखोगे, सिंपली आप इसको ऐड कर लोगे और इसको भी ऐड कर लोगे, ठीक है। अब हम इससे एरो से ऊपर वाले से बैक चले जाते हैं। जब हम बैक जाएंगे तो हमने जो कुछ भी ऐड किया है सब कुछ हमें यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए हमने जितने भी कुछ ऐड किए थे यहाँ पे हमें ये दिख गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अब पूरा देखिएगा, पूरा ट्यूटोरियल है कैसे आपको चलाना है कैसे।
अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हो आप स्टॉक का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग का भी है, और अगर अब मैं बात करूँ तो IIFL का भी है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपन देखेंगे बाइंग और सेलिंग कैसे करना है, राइट। तो निफ्टी पे मैंने क्लिक कर दिया, समझिए हमने निफ्टी बाय करना है, तो मैं निफ्टी पे सिंपली क्लिक कर दिया हूँ। तो माफ़ करिएगा बीच में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्रेट किया मैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बाइंग और सेलिंग दोनों का ऑप्शन आ रहा है हमें यहाँ पे ओपन। थोड़ा फास्ट करते हैं, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे ओपन प्राइस, यहाँ पे अपर सर्किट वॉल्यूम कितना हुआ है, क्लोज लोअर सर्किट सारा कुछ यहाँ आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है ना, स्पॉट का प्राइस कितना है, मतलब निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो कितना है, वो भी यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ ये क्या होता है, ये मार्केट डेप्थ का मतलब क्या है बहुत लोगों को नहीं पता है। ये बिड मतलब खरीदार इतने खड़े हैं, आस्क मतलब सेलर्स इतने खड़े हैं, ये लोग बेचना चाहते हैं और ये लोग खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर बाय और यहाँ पर सेल का ऑप्शन है, चलिए आइए अपन देख लेते हैं। सीधा बाय पे क्लिक कर लिया हमने, सॉरी अभी 120 रुपये प्राइस है, क्वांटिटी 75 यहाँ पे लिखा, क्वांटिटी आपको ऐड करना पड़ेगा, 75 के मल्टीपल में आप करोगे, समझ लीजिए हमने दो लॉट करना है, हमने लिख दिया यहाँ पर 150, राइट। अभी यहाँ पर आपको ऑर्डर का टाइप लिखना है कि किस ऑर्डर में आपने बाइंग करना है। सॉरी मैं एक बार माइक को लगा लेता हूँ, तंग कर रहा है। हाँ तो यहाँ पर देखिए सिंपल CO मतलब कवर ऑर्डर, OCO ये ज़्यादा चलता नहीं है, AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये भी ज़्यादा चलता नहीं है, सीधा आपने सिंपल पे इसको रखना है, नहीं छेड़ना है। ऑर्डर टाइप में अगर हम देखेंगे तो मार्केट लिमिट SL लिमिट SL मार्केट, मतलब क्या हुआ, मार्केट में अगर हम क्लिक करेंगे सामने जो भी भाव होगा करंट लेवल पे उस पे हमारा ट्रेड हो जाएगा। ये इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत कर दिया। चलिए तो मार्केट टाइप का मतलब मार्केट पे, अगर ऑर्डर टाइप को मार्केट पे रखते हैं तो क्या होगा, जो करंट मार्केट है उस पे ट्रेड हो जाएगा। और लिमिट पे रखते हैं तो क्या होगा, हमें खुद का प्राइस डालना पड़ेगा। मार्केट में रेट 120 रुपये है और समझ लीजिए हमें इसे परचेज़ करना है 100 रुपये में, मतलब अगर नीचे आएगा तो हम इसे ख़रीद लेंगे, तो 100 रुपये हमने लिख दिया। प्रोडक्ट में आप चाहो तो डिलीवरी, आप चाहो तो इंट्राडे सेलेक्ट करते हो। इंट्राडे में 3:15 पे आपका जो भी प्रोडक्ट है आप अगर खुद से स्केयर ऑफ नहीं करोगे तो वो स्केयर ऑफ हो जाएगा और डिलीवरीज में ये पड़ा रहेगा। सेम वैलिडिटी आपको डे रखना है, IOC आइदर ओपन और कैंसिल यहाँ पर होता है, आइदर ओपन और कैंसिल, तो ये आपको करना नहीं है, इसको डे ही रखना है, ठीक है। अभी इसको आप रिव्यू कर दोगे सीधा और बाय पे क्लिक कर दोगे, ये ऑटोमेटिक बाइंग का ऑर्डर लग जाएगा, देखिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, ये हम आगे बताएंगे। अब स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है। सेम बाइंग इसको सिंपली रखना है, लिमिट में जाओगे और स्टॉप लॉस मार्केट कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस लिमिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस मार्केट अगर करोगे यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालोगे, समझ लीजिए 250 पे हमने ख़रीदा है, हमने 200 पे बेचना है, सॉरी ये इसको SL लिमिट का मतलब क्या होता है, आप दो प्राइस आप यहाँ पर आपको डालना पड़ता है, या इस प्राइस पे या इस प्राइस पे, समझ लीजिए अगर 120 में ख़रीद लिया 100 रुपये बेचना है तो ट्रिगर प्राइस हम 99 रख देंगे, इसको हम 100 कर देंगे, मतलब चाहे मार्केट में 99 रुपीज़ आए चाहे 100 रुपीज़ आए हमारा ये सेल आउट हो जाएगा। SL मार्केट करते हैं तो क्या होता है, एक प्राइस आपको 100 डाल दिया है, 100 के नीचे कहीं भी आएगा चाहे वो 50 रुपये ही आ जाए वो आपका एग्जिट कर देगा। सीधा रिव्यू करेंगे और यहाँ पर अपना क्वांटिटी डाल देंगे, 150 हमने करना है 150 कर देंगे और बस ये ओके हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब ऑर्डर नीचे देखिए, ऑर्डर ये ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर हमें दिख रहा है रिजेक्टेड रिजेक्ट हो गए हैं दोनों क्योंकि मार्केट बंद है। अभी यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन ऑर्डर क्या है दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे क्लोज्ड ऑर्डर क्या है दिख जाएगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे आपके क्या पोर्टफोलियो यहाँ दिख जाएंगे, यहाँ पे क्या होल्डिंग्स है दिख जाएंगे, उसके बगल में कितना फंड आपके अकाउंट में है वो दिख जाएगा, और मेन आपका यहाँ पर पोजीशंस जो आज का पोजीशन होगा वो यहीं पे दिखेगा पोर्टफोलियो पे क्लिक करने से, जो बाइंग सेलिंग आपने किया है जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे दिख जाएगा। बस इतना कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस ऐप में। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा आप देख लीजिए, आप पूछ सकते हो। फंड पे जाओगे, यहाँ से ऐड फंड कर लोगे डायरेक्ट, आपके ऐड फंड ऐड कर लोगे आप, और चाहो तो यहीं से आप विड्रॉवल भी कर सकते हो। विड्रॉवल फंड पे क्लिक करोगे, ये देखो ये विड्रॉवल फंड पे क्लिक करोगे विड्रॉवल भी हो जाएगा, कितना पेमेंट आपने डाला उसका हिस्ट्री भी यहाँ से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इतना कुछ है, इन्वेस्ट है यहाँ पर, डिजिटल गोल्ड IPO म्यूचुअल फंड सारा कुछ आप यहीं से परचेज़ कर सकते हो।
और उसमें कुछ खास है नहीं देखने के लिए, प्राइज अलर्ट, अनाउंसमेंट है, न्यूज़ वगैरह यहाँ से देख सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो अपना, डार्क कर सकते हो, आप चाहो तो डे कर सकते हो, चाहे नाइट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे लाइट और डार्क कर सकते हो। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।